खाना पानी दिक्कत है, घर में पानी घुसी गेले, चूल्हा में पानी घुसी गेले, जरना नहीं छे, कुन चिल्ला के बना के खेबे नहीं खेबे, कोई सरकार नहीं देखल ले भूकल छे की छे, बाल बच्चा ला के चल गेले, घर में पानी देखल के बाल बच्चा ला के चल गेले, नाना नानी मिले तो की चाहे छे, हमरो से ये भेजाब, हमरो से खेबे पीबे तो भूखले रहबे। अररिया जिला के अररिया प्रखंड के तरोना भोजपुर पंचायत वार्ड नंबर 11 और 12 यहां पे 24 घंटा से अधिक हो गए हैं बाढ़ आने से, और सभी का घर में पानी घुस गया है। यहां पे जो लोग मतलब कि वहां पे धान लगाए थे खेत में, सभी का धान दह गया है और धान के ऊपर से पानी बह रहे हैं। और यहां पे मतलब कि जिनके घर में करीब 1500 लोग हैं, जिनके घर में जलावन मतलब कि बह गया है, पानी से भीग गया है, वो लोग भूखे मतलब कि अभी तक हैं, और अभी तक कोई सरकार या प्रतिनिधि के द्वारा कोई लाभ या राहत नहीं मिला है। ये तो मन में पानी है, घर में पानी है, सांप कीड़ा जितना जानवर है सब घर घुसता है, सोने में भी डर लगता है, सांप घुस जाता है, खाने पीने का भी दिक्कत है, किसी जलावन नहीं है, कोई दीदी का बहुत परेशानी है, और धान लगाए फसल वो भी डूब गया, धान डूबने से भी परेशानी है, खाने के लिए नहीं होगा उपजाऊ तो क्या खाएंगे। हमको यही सोच है, यही हमारा उम्मीद है कि कोई सरकार कोई संस्था के द्वारा से अगर खाने के लिए कुछ उपलब्ध कर देगा तो हम लोग को राहत मिलेगी। किसानों की खेती तो चला ही गया है, अब उसका जीवन कैसे यापन होगा यह भी मुश्किल में फंसा हुआ है। कितना एकड़ में खेती किए थे आप? करीब 2 एकड़ में खेती किए थे, जिसके ऊपर पानी बह रहा है, धान फूटा हुआ था, उसका कोई गारंटी नहीं है जो कब जगेगा नहीं जगेगा, जो पका हुआ फसल था वो भी चला गया, नदी के किनारे का खेती भी नष्ट है, मिट्टी तोप दिया। लगभग कितने मतलब लोग यहाँ पे खेती किए हैं, सभी का इस तरह का हाल हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में जो भी किसान रहने वाला है, खेती तो प्रायः हर किसान किया था, लेकिन बचा हुआ किसी का भी नहीं है। तो इसमें कितना आपका खर्च हुआ था? करीब 14-15 हजार रुपया खर्च कर्ज ऋण लेके किए थे, वो भी चला गया, और बाद में अभी जो आदमी जीवन बिताएगा खाएगा पिएगा उसका व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि उसके खाने पीने का व्यवस्था विलंब किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सनोज कुमार राय हुआ, तरोना भोजपुर का निवासी हूँ मैं, और वार्ड नंबर 14 का, और मैं यहाँ मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैंने इस तरह अभी वीडियो से सीओ से सबसे बात किया, उन्होंने बोला कि मैं हर संभव कोशिश करता हूँ आप लोगों का सारा मुहैया करवाता हूँ। नाव का यहाँ परेशानी है, सबसे बड़ी बात है कि ये 5-7 वार्ड ऐसा है कि जहाँ की यातायात बिल्कुल बंद है, वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहाँ तक खाना पीना का कोई सुविधा नहीं है। हमने अभी सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कर्मचारी को भेजते हैं अभी, तो नाव का जो है अल्टीमेटम दूसरे जगह से कोई व्यवस्था करवाते हैं ताकि लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाए। भाई जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाएगा फोटो तब भी शेयर होगा वीडियो, हम लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। मैं सीता कुमारी, जिला अररिया, बिहार से, इंडिया अनहद के लिए।